अरे बेटा जा रहा है तो फिर चले जाना मुंगेरी के यहाँ। अम्मा उनके यहाँ क्यों भेज रही हो? अरे मुंगेरी ने कहा था कुछ खास चीजें हैं उसके पास मेरे लिए, वो भेजेगा। अच्छा ठीक है अम्मा, चला जाऊंगा अभी, लेकिन जा रहा हूँ खेतों पे। खेत से वापस लौटूंगा तो मुंगेरी काका के घर से होता हुआ आऊंगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। अरे कालू भैया कैसे हो? ठीक हूँ भाई, बस काम कर रहा हूँ। इस बार तो लगता है तुम्हारी फसल अच्छी ही होगी। हाँ भाई मैंने भी यही सोचा है, इस बार के फसल में घर अच्छा सा बनाऊंगा। क्यों भाई ऐसी क्या बात है? अरे क्या बोलूँ, अम्मा ने बार बार शादी के लिए जोर देकर रखा है, अब नई पत्नी आएगी कहाँ रहेगी क्या खाएगी, वो पुराना घर ठीक नहीं है ना? हाँ मैंने सुना है इसी वजह से अच्छे घर के रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं। वही तो। अच्छा ठीक है भाई, मेरा काम खत्म करने दे मुझे। अरे अम्मा ने कहा था मुंगेरी काका से मिलते आना, जाता हूँ जरा देखूं क्या बात है। काका, ओ काका घर में हो क्या? अरे हाँ कौन हो भाई तुम? काका मुझे अम्मा ने भेजा है, झुमरी कवि ने, मैं उसका बेटा हूँ। अरे तू झुमरी का बेटा है, आजा आजा, मैं तो तुम्हारा ही आसरा देख रहा था, घर के अंदर आजा बेटे। काका कौन सी जरूरी चीज थी जो तुमने अम्मा को कहा था दोगे? अरे दूंगा ना, इतना क्यों बावला हुआ जा रहा है, आया है तो थोड़ा चाय शरबत पी तो ले। अरे कहाँ हो बच्चियों, जरा खाने पीने का इंतजाम करो। ये लीजिए शरबत पीजिए। अच्छा दीजिए। समोसे खाइए। अच्छा चलो ये समोसे खा लेता हूँ। ये भी खाइए। अरे अभी तो समोसा खाया अभी। अच्छा ये तो खा लीजिए। ये मिठाइयाँ खाइए। अरे बस खा रहा हूँ। अरे रे तुम लोग क्या खाना नहीं खिलाओगी, चलो इन्हें खाना खिलाओ। अरे मेरा तो पेट ही फट जाएगा, बहुत स्वादिष्ट खाना है, इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया, मजा आ गया, बढ़िया है बहुत बढ़िया है। अच्छा काका वो कीमती चीज क्या है दे दो, मैं जरा जाऊंगा अब अपने घर, रात होने वाली है, अम्मा इंतजार कर रही होगी, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। अरे ठहरो गांव वालों को तो आने दो। इसमें गांव वालों का क्या काम है, जो कीमती चीज है उसे दे दो और हमें भेजो। अरे मुंगेरी क्यों बुलाया है हमें? बुलाया है देखो, मैंने अपना दामाद चुन लिया है, मैं अपनी पांचों बेटियों का ब्याह इसी कालू कौवे से कर रहा हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो, अब मैंने ऐसा कब कहा? अरे तुमने नहीं कहा है लेकिन तुम्हारी अम्मा से बात हो गई है बस। अरे ये क्या जबरदस्ती है? देखो बेटा हमारे गांव में जो आता है और लड़कियों के हाथ का बना खाना खा लेता है उसे तो ब्याह करना ही पड़ता है, तुम कहीं नहीं जा सकते हो, अबे तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। अरे ये क्या दादागिरी है, मैं और मेरी अम्मा
दो लोग हैं, हम लोग बहुत अमीर नहीं है, इन पांच पांच कवियों को मैं क्या खिलाऊंगा? देखो भाई, अब जो भी है जैसे भी खिलाओगे तुम खिलाओगे। रसगुल्ले खाने में तो मजा आया होगा, पूड़ियाँ खाने में भी मजा आया होगा, तो फिर इन्हें तो अपने घर तुम्हें ले जाना ही पड़ेगा, और कोई नहीं रोक सकता है। अरे ये क्या बात है। देखो भैया, बात यही है, और ज्यादा बोलोगे तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अरे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने ऐसा किया? हमने कहाँ किया कुछ, बाबा ने जो कहा हमने तो बस वही किया। चलो अब मेरी अम्मा संभालेगी तुम्हें। अम्मा, ओ अम्मा कहाँ हो? अरे आ गया कालू, मुंगेरी काका से मिलके आया था, कौन सी जरूरी चीज देने वाले थे वो। हाँ, मुंगेरी काका ने एक नहीं पांच जरूरी चीजें दी हैं। बाहर आओ और देख लो। अरे लेके अंदर आ जाना। मैं नहीं ला सकता, तुम ही बाहर आओ। अरे कहाँ है चीजें? अम्मा ये नहीं देख रही हो, पांच पांच। अरे क्या मस्करी कर रहा है, कहाँ से लेकर आया है इन्हें? ए तुम लोग कौन हो, यहाँ मेरे घर के सामने क्या कर रही हो? हाँ अपने अपने घर जाओ, अपने अपने माता पिता के पास जाओ, हम तो आपकी बहू हैं अम्मा। अरे ये क्या बात हुई, मेरे बेटे ने कब ब्याह कर लिया? अरे तूने ब्याह कर लिया? अम्मा तुमने मुझे मुंगेरी काका के पास भेजा था, और गांव वालों ने पकड़कर मेरा ब्याह कर दिया है मुंगेरी काका की इन पांच बेटियों से, और अब मुझे कहा है किसी को कुछ खरोच नहीं आनी चाहिए, तो इन पांच बहुओं को अब तुम्हें झेलना होगा अम्मा। अरे क्या नास पीटे बात कर रहा है? हाँ ऐसा हो सकता है क्या? तू सोचता है हमें खाने को दिक्कत होती है, हम इन्हें क्या खिलाएंगे? अम्मा वो सब मैं नहीं जानता हूँ, वो तुम सोचो, तुमने मुझे मुंगेरी काका के पास भेजा ही क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था ना मुझे कहीं नहीं जाना। अरे मुझे क्या पता, वो मीनू ने मुझे बोला और मैंने भेज दिया। अब भुगतो अम्मा, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। ये कैसी बात है अम्मा, हम घर का सारा काम जानती हैं, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, हम आपके लिए मदद ही करेंगे, आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे नास पीटियों, एक को खिलाने के पैसे नहीं है, इतनी इतनी बहुओं को कहाँ से खिलाऊंगी? आ जाओ, अब आ गई हो तो घर में घुस जाओ। अरे अच्छा तो है, घर का सारा काम हो जाता है, लेकिन इन पांचों को खिलाऊंगी कैसे? ये तो बड़ी मुसीबत है, कालू से कुछ बात करना होगा। अम्मा इन पांच मुसीबतों को कैसे खिलाऊंगा मैं? तू परेशान मत हो, पांच हैं तो ये तेरे लिए काम की भी हैं, और तेरे लिए ये अच्छी भी हो सकती हैं। अम्मा ये कैसी बातें कह रही हो, कहां से अच्छी होंगी, कैसे सोच लिया तुमने? अरे कुछ नहीं, सुन मैं जो कह रही हूँ। ये ले और जाकर सारी जरूरी चीजें लेता। अरे भैया सब कुछ एक एक बोरी बांध दो जो इस लिस्ट में है, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। अ
अरे भैया क्या बात है, इतने सारे अनाज ले जा रहे हो? हाँ हाँ, पांच पांच बीबियां जो अब हो गई, खाना तो ले जाना ही पड़ेगा, खाएंगी क्या बिचारी। अरे तुम अपना काम करो, ज्यादा चोंच चलाने की जरूरत नहीं है। लो भैया, आजकल तो सच भी बोलो तो बुरा ही लगता है लोगों को। क्या है इसमें? अरे जो भी है, सारा घर का सामान है, इसे ले चलो और घर में रख दो इसे। अरे रे रे रे, क्या बात है कालू, क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे मौसी, एक ढाबा बना रहा हूँ। हाय हाय, ढाबा? तुझे लगता है इस गांव में ढाबा चलेगा? मौसी अब लगता क्या, करके देखता हूँ। चलने का होगा तो चलेगा, नहीं चलने का होगा तो नहीं चलेगा, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। अरे कालू, तूने ढाबा खोला है? हाँ, आइए सेठ जी, बैठिए, खाइए। मालिक देखिए, कालू कितना चालाक है। कालू ने पांच पांच ब्याह किया, अब कालू को नौकरों की जरूरत ही नहीं है, घर का पैसा घर में ही रहता है। हाँ भाई कालू, तेरे दिमाग की तो दाद देनी होगी। ऐसा नहीं है सेठ जी, अब परिवार बड़ा है तो क्या करें, सब मिलकर ही काम करेंगे ना। अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो मेरे अकेले का थोड़ी बस का है, मैं इतने बड़े परिवार को खिला सकूं, इसीलिए हम सारे मिलकर काम करते हैं। अरे रे रे रे, देख कितना बेशरम है ये काला कलमुहा, देख रहा है ना, अपनी नई नवेली बीवियों को भी ढाबे पे ले आया है। सोच जरा कितना बुरा है ये। अभी तो ये नई नई घर में आई ही थी, और मुझे तो सबसे बुरी झुमरी लगती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, झुमरी को फिर भी समझाना चाहिए था, झुमरी तो उल्टा ये ढाबा बनवा रही है। अरे क्या हो गया मीनू, क्यों यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रही है? खाना खाना है तो खा, मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अरे तू भी आ गई यहाँ पे, सब घर के बहुएं और औरतें सड़क पे आ जाओ। हाँ, अब इस गांव में बचा क्या है, यही तो होगा। देख तुझे खाना खाना है खा, वरना यहाँ से जा। तुम लोग यहाँ बकवास करने आए हो तो यहाँ से जाओ। अरे ठीक ही तो कह रही है मौसी, आओ। सेठ सुनो, मेरे घर का खर्चा जो है ना, पांच गुना बढ़ चुका है। ऐसा करो, एक गुना खर्चा तुम संभाल लो, एक गुना मीनू संभाल लेगी, और बाकी और भी जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो भी संभाल ले। बस और क्या है, मैं आराम से पांचों बहुओं को रखूंगी घर में। अरे झुमरी, तुझे कहा किसने था अपने बेटे का पांच पांच ब्याह करने के लिए? हाँ, अब आई पते की बात, ये मीनू, इस मीनू ने मुझे कहा, मुंगेरी तुझे अच्छी चीजें देने वाला है। मैंने अपने बेटे को भेज दिया और मुंगेरी ने ब्याह करके भिजवा दिया। मौसी ये क्या बात है? अब मुझे क्या पता, अब मुझे वो मिला था, उसने कहा कि झुमरी को बोलना उसकी कीमती चीज मेरे पास है, बस मैंने बता दिया। अरे ये तो बहुत गलत बात है, किसी को बुलाकर ऐसे ब्याह करवा देना, तूने हमें बताया क्यों नहीं?
हम गांव वाले जाएंगे, उन गांव वालों की पिटाई करेंगे। कौन है जो ऐसा कर सकता है? ऐसा करना तो बहुत बुरा है। हम तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। देखो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में मुझे दिक्कत लग रहा था, लेकिन अब मेरी बहुएं काफी हैं, मुझे समस्या नहीं है। आप लोग अपना अपना खाना खाओ और जाओ। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? मैंने बुलाया है बैद जी को, अभी आते होंगे बैद जी। अरे कालू, तेरी तो तबीयत खराब हो गई है। ये ले 2 शीशियां दवाइयों के, इसे खा लेना, ठीक हो जाएगा। अरे वैद जी, थोड़ा जल्दी कीजिए मुझे ठीक। खेतों में फसल पड़ी हुई है, कटाई नहीं करवाऊंगा तो फसल कभी बारिश हो गई तो सब की सब खराब हो जाएगी, एकदम बेमौत मारा जाऊंगा। अरे अब जितना वक्त लगना है उतना वक्त तो लगे ही ना, ऐसे सोचने से थोड़ी हो जाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब जो वक्त लगना है वो लगेगा भाई। अम्मा एक बात कहूँ? हाँ बोलना। अम्मा तुम चलो, हम पांचों चलते हैं और फसल को काट कर ले आते हैं, न जाने कब बारिश हो जाए और हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाए। और तू लो, तुम फसलें काट सकोगी? अम्मा बाबा ने हमें सब कुछ सिखाया है, वो तो बाबा गरीब थे इसलिए बाबा हमारा ब्याह नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से कालू जी के साथ इस तरीके से ब्याह हो गया हमारा। अच्छा चलो फिर। ठीक ही कहते हैं, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। देखो आज मेरे पास कितने हाथ हैं, सब हाथ मिलकर मेरा सारा काम जल्दी जल्दी कर देते हैं। यही वजह है कि अब मैं गांव में सबसे अमीर भी बन जाऊंगा। और फिर कालू कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है। कालू मंडी में अपनी सारी फसलों को बेचता है, उसकी अच्छी कीमत मिल रही थी। अब खेती का काम भी अच्छा चल रहा था, ढाबे का काम भी अच्छा चल रहा था और घर में भी सब सुखी थे। अब कालू को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। गांव वालों ने भी अब बातें बनाना बंद कर दिया था। अरे ये क्या, अब मैं तो भूल गया। हाय हाय, ये बिजली तो अब मुझे सुनाएगी। और उसने मुझे कहा था बत्तख के छोटे छोटे बच्चे लाने को। अरे अब क्या करूँ, मैं घर के अंदर जाऊँगा तो बिजली जरूर सुनाएगी मुझे। चलता हूँ अंदर ही। अरे आ गए तुम, चलो बाजार से आ गए ना, हाथ पांव धो लो, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। अच्छा अच्छा ये बताओ, बत्तख के बच्चों को कहाँ रखा? इधर उधर तो नहीं रख दिया ना? देखो अब बिजली गुस्सा मत होना, मैं ना भूल गया, एकदम से याद ही नहीं रहा कि बत्तख के बच्चे लाने हैं, एकदम से दिमाग से निकल गया, गुस्सा नहीं होना। हाँ हाँ सबकी बातें याद रहती है, मैं कुछ लाने को कहूँ तो वो बात तुम
जरूर भूलते हो। कोई बात नहीं है, किसी दिन मैं भी खाना बनाना भूल जाऊंगी, देख लेना, उस दिन भूखे रहना पूरे दिन। अरे नाराज क्यों होती हो, अगली बार जाऊंगा पक्का तुम्हारे लिए बत्तख के बच्चे ले आऊंगा। परेशान मत हो, अभी कुछ खाने को दे दो, बड़ी तेज भूख लगी है। हाँ हाँ बैठो, देती हूँ खाने को। क्या बनाया है? अरे ज्यादा कुछ नहीं बनाया है, खिचड़ी बनाई है और बैंगन की भाजी है। कोई बात नहीं है, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना है मुझे तो बिल्कुल पसंद है, तुम तो जहर भी खिलाओ तो मैं खा लूं। हाँ 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 खूब समझती हूँ, जाओ जाकर बैठो, दे रही हूँ खाना। क्या स्वाद है, मजा आ गया। और क्या लेकर आए हो बाजार से? अरे वही लेकर आया हूँ, खजूर का रस, बस गुड़ बना देना, कल बेच दूंगा। मैं तो कहती हूँ कितनी बार तुमसे, टीकू सेठ के बगान में क्यों नहीं चले जाते हो? अरे नाम मत लो उसका, वो कमीना, उसने इतनी कीमत रखी हुई है एक हांडी की कि उतनी के तो गुड़ भी नहीं होते हैं। न जाने क्या सोच रहा था वो, मुझे लगता है रस ही नहीं मिलेगा, आखिरकार मुझे रस मिल ही गया। क्यों, कोई बात हुई थी क्या? अरे कुछ नहीं, मैंने मुनीम कवा से बोला था कि टीकू सेठ के बगान का खजूर का रस मुझे दिलवा दो और थोड़े सस्ते में ही दिलवा दो, लेकिन वो तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाने लगा। वैसे बिजली क्या खाना बनाया है तुमने, मजा आ गया। सुनो मैं तुमसे कुछ कहने वाली थी। हाँ हाँ बोलो ना। इस बार बाजार जाओगे ना तो फिर याद रखना चावल भी लाना है, चावल खत्म हो रहा है। अरे घर में अनाज तो लगभग सब खत्म हो रहा है, क्या करूँ, तुम इस बार गुड़ ज्यादा बना दो ना, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। अरे गुड़ कहाँ से बना दूँ ज्यादा, तुम लेकर आओगे खजूर का रस तभी तो। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अरे कालू भैया कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊँगा, जा रहा हूँ खजूर के रस के तलाश में। अच्छा लेकिन खजूर का रस तो यहाँ बाजार में छोड़कर कहीं नहीं मिलता, और बाजार का सारा माल तो खत्म हो गया है। हाँ वही तो, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, अरे मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो भैया एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। तुम्हें सस्ते में खजूर का रस मिल सकता है। कहाँ से? चलो दिखाता हूँ, लेकिन किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं बताऊंगा, दिखाओ तो सही। अरे लेकिन कहाँ लेकर जा रहा है मुझे? चलो तो सही, देखो तो तुम्हारा काम कैसे आसान हो जाता है। आओ तो अंदर आओ तो। कहाँ लेकर आ रहा है, किसकी झोपड़ी है पता नहीं। अरे इतना सारा खजूर का रस। हाँ, सस्ते में मिलेंगे। क्यों भाई सस्ते में क्यों, चोरी वोरी का तो नहीं है ना? देखो भैया तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती है, गुठली खाओ, आम क्यों गिन रहे हो, तुम्हें खजूर के रस की जरूरत थी, खजूर का रस मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, और क्या चाहिए। अरे भाई लेकिन कल को किसी ने पकड़ लिया और मुझे कहा कि तुमने चुराया है तो फिर? अरे ऐसा कभी नहीं होगा, परेशान मत हो, ले जाओ और जितना बाजार में देते हो उसका आधा ही देना। ठीक है भाई मुझे क्या दिक्कत है। अरे बिजली ये देखो क्या लाया हूँ। अरे ये तो खजूर के रस है। हाँ हाँ खजूर के ही रस है। कहाँ से लेकर आए? अरे लेकर आया, बस एक जगह मिल गया था। अब तुम फटाफट गुड़ बनाना शुरू कर दो, देर नहीं करना, अब गुड़ जितना जल्दी बनेगा बाजार में बिकेगा, और बाजार में बिकेगा तो घर का राशन पानी सब आएगा। ठीक है जी मुझे क्या दिक्कत है, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ।
चलो अच्छा हुआ इनको खजूर मिल गया, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती। लो जी गुड़ तुम्हारा तैयार हो गया। हाँ बस टोकरियों में भर दो, इसे लेकर जाऊंगा। और गुड़ ले लो गुड़, बढ़िया वाले गुड़, एकदम स्वादिष्ट, एकदम मजेदार। अरे कालू क्या बात है, आज तो तू बहुत सारा गुड़ लेकर आया है। हाँ मालिक क्या करता, आपसे खजूर का रस मांगा, आपने मुझे बहुत कीमत बताई लेकिन मुझे आखिरकार मिल ही गया सस्ते में। अरे वाह थोड़ा गुड़ चखाना तो सही। वाह वाह बड़ा अच्छा है गुड़, किसने बनाया है? मेरी बीवी बनाती है सेठ जी। अच्छा है बहुत अच्छा है, ले चील तू भी चख। नहीं मालिक मुझे तो काले कौओं का मांस पसंद है, गुड़ नहीं। अरे सेठ जी इसे लेकर जाओ, ये जब भी मेरे सामने आता है इसके मुंह से लाल टपकने लगता है और मुझे डर लगने लगता है, न जाने ये क्या करेगा, कहीं मुझे खान न जाए। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम बेकार में परेशान मत हो, कुछ भी नहीं करेगा। अरे वाह आज तो ठीक ठाक पैसे आ गए हैं, आज मैं राशन का सारा सामान भी ले जाऊंगा और मछलियाँ भी खरीद कर ले जाऊंगा, बिजली को बहुत पसंद है। सबसे बड़ी वाली मछली देना मंगरू। अरे क्या बात है भैया, आज गुड़ की कमाई अच्छी हुई है इसीलिए लगता है तुम ये कह रहे हो। हाँ भाई बस यही समझ ले कि गुड़ की कमाई अच्छी हुई है, दे दे। बिजली ओ बिजली देखो बाहर तो आओ। अरे इतनी बड़ी मछली लेकर आए हो? हाँ आज सोचा तुम्हारे हाथ की बनी मछलियाँ खाए जमाना बीत गया है, इसीलिए लेकर आया हूँ, बनाओ इसे जरा अच्छे से। लगता है तुम्हें मोटी कमाई हुई है। अरे बस यही समझ लो, चलो जरा बनाओ। और भैया कालू कैसे हो? ठीक हूँ गुन्नू भाई, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं बस सोच रहा था कुछ नया धंधा कर लूँ। तुम्हारा धंधा देखा गुड़ का, बड़ा अच्छा है, क्या मैं भी कर लूँ? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं भाई मुझे क्या दिक्कत होगी, ऐसा करना तू मेरे साथ मिलकर ही गुड़ का धंधा कर, मैं गुड़ बनवा दूंगा, तुम उसे ले जाकर बेच देना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, बस मेरा कुछ कमीशन रहेगा, कमीशन दे देना। हाँ भाई बिल्कुल, गुड़ बना रहे हो तुम, सामान ला रहे हो तुम, तो कमीशन तो बनता ही है, बस और क्या। अरे मैंने तो गुन्नू भैया की आवाज सुनी थी, उन्हें जाने क्यों दिया, खाना तो बनकर तैयार हो गया था। अरे मैं तो भूल ही गया, एकदम से ध्यान नहीं रहा बिजली, कोई बात नहीं है, तुम जब जाओगी ना तो गिन्नी भाभी के लिए एक कटोरा सब्जी लेती जाना और दे देना उन्हें। अच्छा ठीक है वैसा ही करूँगी। अरे ये लो बारिश और तूफान शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल है भाई, चलो घर में बैठते हैं। अरे ये रहे, वाह चलो बिजली ने बत्तख के बच्चे मांगे भी थे, पहले इन्हें ले जाता हूँ और उसे दे देता हूँ। बिजली ओ बिजली
ये लो तुम्हारे बत्तख के बच्चे। अरे वाह, आज तुम्हें कहाँ मिल गए, कितने भी खरीदा? अरे खरीदा नहीं है, ये पता नहीं कहीं से बहकर तालाब में आ गए। कल आंधी तूफान आया था ना, शायद हो सकता है उसी में बहकर आए हो। चलो अच्छा हो गया, मैं तो कितने दिनों से चाह रही थी कि मेरे पास छोटे छोटे बत्तख के बच्चे हों, इन्हें मैं पालूंगी। अरे चलो अब तुम्हारे मन की बात पूरी हो गई ना, मैं जाता हूँ खजूर का रस लाने के लिए। भैरव भाई, ओ भैरव भाई। अरे कालू भैया आ गए तुम? हाँ भाई आ गया हूँ, लेकिन आज मुझे ज्यादा मटके चाहिए, आज मुझे कम से कम 10 मटके चाहिए। 10 मटके? अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो 5 मटके तुम ले जाओ, 5 मटके मैं रात में पहुँचा दूंगा। वो भी ठीक है, मुझे तो मटकों से काम है। इतना सारा खजूर का रस? हाँ बिजली, आज से ही बनाना शुरू कर दो, कल से गुन्नू हमारे यहाँ से गुड़ खरीद कर ले जाएगा, मुझे बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, अब मैं थोड़ा बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, देख लेना। चलो अच्छा है। कालू भैया ये ले लो तुम्हारे 5 मटके, लाकर रख दिए, अब ना कहना। अरे हाँ चलो भाई, लेकिन रात में क्यों? तुम गुठली खाओ, आम नहीं खाना। कितनी बार कहा है आम खाओ, गुठली गिनने से क्या फायदा है, मेरा काम मुझे करने दो, तुम अपना काम करो। ठीक है भाई, ये ले पैसे। क्या बात है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये भैरव इतना सारा रस कहाँ से लाता है, कहीं ना कहीं से चोरी करता है, और इसका मतलब है इस गांव में सिर्फ टीकू सेठ का ही एक बागान है जहाँ से चोरी कर सकता है और कहीं से नहीं। अरे तुम चुप रहो, अपना काम करो, हमारा बढ़ता हुआ मुनाफा क्या बंद करवाओगी, और तुम्हें कुछ पता भी है कितना मुनाफा हो रहा है, और मैंने अपना व्यापार कितना अच्छा बढ़ा लिया है, अब मैं बार बार तुम्हारी बातों पे आऊंगा तो मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा, चुपचाप गुड़ बनाओ और गुन्नू गुड़ ले जाएगा सुबह। अरे गुन्नू ये कौन है? चमरू है भैया, ये भी गुड़ खरीदेगा आपसे। चलो अच्छा है, 1 से 2 भले, धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ रहा है, इससे ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। मालिक एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलना। मालिक कुछ दिनों से हमारे खजूर का धंधा बहुत मंदा चल रहा है मालिक, लेकिन ये देखिए पेड़ों पर तो ढेर सारे मटके लटके पड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मालिक कि कोई हमारे बगान से चीजों को चोरी कर रहा है? अरे अगर ऐसी बात है तो आज रात हम पहरेदारी देंगे, अपने नजरों से देखेंगे कौन है वो। अरे जल्दी जल्दी करो, और जल्दी जल्दी मटके उतारो और खाली मटके वहां लटका दो।
मालिक, ये है असली चोर। यही आपके खजूर के रस चुरा रहा है मालिक। सेठ जी, अरे बाबा क्या कर रहा है? हमने सब देख लिया है, इसलिए अब हमें बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। हाँ, अब तो चील तुझे चीर फाड़ कर खाएगा, वरना बता और कौन कौन शामिल है। वाह वाह वाह, तो तुम लोग सब मिले हुए हो और मिलकर ये सारे काम कर रहे हो। वाह मुनीम, मैंने तुझ पर यकीन किया, तूने मुझे इसका बड़ा अच्छा सिला दिया। मालिक माफ कर दो, ये आखिरी बार, थोड़ा लालच में फंस गया था मालिक, और कुछ नहीं। भैरव, मुझे हाँ हाँ, तो तुम खरीदार हो, तुम्हें खजूर का रस यहीं से मिलता है। वाह क्या बात है, सब मिलकर मुझे बर्बाद करने पे तुले हो। कोई नहीं अचील, सबसे पहले इस मुनीम को खत्म कर। मालिक मेरी क्या गलती है, मैं तो बस खरीदने के लिए आया था। इससे मैंने कई बार पूछा भी, लेकिन इसने मुझे सच नहीं बताया। कोई बात नहीं है, सारे के सारे मारे जाओगे। और वापस घर आ जाता है।